आज की मूवी है मैलिना। हम आज मैलिना मूवी को एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। इस मूवी का मेन कैरेक्टर मैलिना नाम की शख्सियत होती है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत है, जो टाउन में बहुत ही फेमस होती है अपनी खूबसूरती के लिए। टाउन के सब लोग उसे चाहते थे और टाउन की सब औरतें उससे बहुत ही जेलस थी, वो उनके जैसा बनना चाहती थी। मैलिना इटली के एक छोटे से गांव में रहती थी। वहाँ एक रोनाटो नाम का एक लड़का रहता था, जो उससे बहुत ही उम्र में छोटा था। उसने अभी अभी नई साइकिल ली थी, इसलिए वो उसे दिखाने के लिए अपने फ्रेंड के पास आता है। जब रोनाटो मैलिना को सबसे पहले देखता है, तब वो उसे ही देखते रह जाता है। उसे पहली नज़र में मैलिना से प्यार हो जाता है। वहाँ का हर मर्द चाहता था कि मैलिना उसकी हो जाए। वहाँ उसके दोस्त उसे कहते हैं कि सुना है यहाँ से मैलिना गुजरने वाली है, तो वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और एक कॉर्नर पर बैठ जाते हैं और वहाँ के सामने से ही मैलिना गुजरती है। फिर वो आगे जाती है। उसके बाद वो सब लोग अपनी साइकिल उठा के फिर से कंट्री के दूसरे कॉर्नर पर जाते हैं और मैलिना का इंतज़ार करते हैं। वहाँ से मैलिना फिर गुजरती है। मैलिना के पापा एक स्कूल में टीचर थे, वो सभी स्टूडेंट उनके ही थे। वो कान से सुनाई नहीं देता था उन्हें, यानी कि वो डेफ थे। इसी वजह से ये सभी स्टूडेंट उनका बहुत ही मजाक उड़ाते थे। उसके बाद रेनाटो मैलिना के घर जाता है। उसके घर में वो एक होल करता है, वहाँ से वो उस पर स्पाय करता है, यानी कि नज़र रखता है। उसमें वो देखता है कि मैलिना उदास सो रही है, मतलब पड़ी हुई है। मैलिना का पति आर्मी में वॉर के दरमियान चला गया और अभी तक लौटा ही नहीं। उसके बाद वाले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रोनाटो के फ्रेंड्स मैलिना के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब लोगों की बातें सुन सुनकर रोनाटो को भी मैलिना से प्यार होने लगा था। वो लोग उसे बुरा बोलते थे, फिर भी रोनाटो को वो इमेजिन होने लगी थी। इस मूवी में हमें ये बताया है कि सोसाइटी अकेली औरत के बारे में क्या क्या सोचती है और क्या क्या बातें करती है। मैलिना का नेचर, वो सबसे फ्रीली बात करती थी, इसी वजह से वो सभी लोग उसे बहुत ही बुरा समझते थे। वो उसके आसपास है ऐसा उसे लगता था। बंदा था तो मैलिना से बहुत ही छोटा, मतलब टीनेजर, फिर भी उसे मैलिना से प्यार हो गया था। इसी वजह से उसने अपने पापा की पैंट अल्टर करके पहनना स्टार्ट कर दिया। उसके पापा बहुत गुस्सा हुए और उसको बहुत मार पड़ी। तब का इटली का शासक मुसोलिनी था, तो अगर मुसोलिनी मर जाता है तो मैं तुम्हें नई पैंट सिलवा के दूंगा, ऐसे उसके पापा रोनाटो को कहते हैं। रोनाटो को अब प्यार हो गया था, इसी वजह से वो दिन रात मैलिना के पीछे पड़ा रहता था, मैलिना का पीछा करता था, उसके घर में एक होल की द्वारा उस पर स्पाय करता था। इसकी खबर भनक भी नहीं थी मैलिना को। एक दिन मैलिना को खबर मिलती है कि उसका पति जंग में मर चुका है। यह बात सुनकर वो बहुत ही दुखी हो जाती है और रोने लगती है। रोते रोते वो बेड पर पड़ी हुई होती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मैलिना को उसके पति के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार था। मैलिना उसके पति को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और अब वो ये सोचने लगी कि अब वो ही नहीं है तो वो इस घर में रहकर क्या करेगी। इसी वजह से वो अपने पापा के घर पर शिफ्ट हो जाती है। एक दिन रोनाटो कहीं पर काम कर रहा होता है। वहाँ पर वो देखता है कि कुछ लोग मैलिना के बारे में बहुत ही गंदे वर्ड्स और गलत बातें कह रहे हैं। उसे सब सुनकर रोनाटो को गुस्सा आता है और वो मन ही मन में सोचता है कि मुझे पता है मैलिना की सच्चाई। मैलिना वाकई अपने पति से बहुत प्यार करती थी, ये सिर्फ बात उसे ही पता है। यह सोचता है कि ये सब भी मुझे ही बताना पड़ेगा इन सब लोगों को। इमेजिनेशन में चला जाता है, जहां वो सोचता है कि मैलिना उसके पास है और वो यह कहता है कि तुम कुछ साल रुको, जब तक मैं बड़ा हो जाऊँ तब मैं सब ठीक कर दूंगा। उसके बाद रोनाटो चर्च जाता है और वहाँ वो गॉड से कहता है कि तुम मैलिना का ख्याल रखना, उसके बदले में मैं यहाँ डेली कैंडल्स जलाया करूँगा। एक दिन मैलिना के पापा को एक नोट मिलता है। उस चिट्ठी में यह लिखा हुआ होता है कि तुम्हारी बेटी का सभी लोगों से इस टाउन में जितने भी मर्द हैं
उनसे चक्कर चल रहा है, यानी कि अफेयर चल रहा है, और तुम्हारी बेटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यह सब कुछ बातें पढ़कर मैलिना के पापा को बहुत बड़ा गुस्सा आता है और वो उसे अपनी बेटी मानने से इनकार करते हैं। मैलिना के पापा उसको उनके घर से जाने को कहते हैं। एक बार फिर से मैलिना अकेली हो जाती है। फिर से वो अपने पुराने घर में लौट आती है और अकेली रहना स्टार्ट कर देती है। यह बात जैसे ही रोनेटो को पता चलती है, वो भी उसे स्पाई करने उसके घर पर आता है। वो होल से देखता है कि उसके घर में एक पुलिस ऑफिसर आया हुआ है। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सच में दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये सब देखकर रोनेटो को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो तो सोचता है कि मैलिना एक अच्छी औरत है और वो यह बात सभी लोगों को बताने भी वाला था। इन सब बातों को देखकर उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर घर से बाहर आता है। वहाँ पर उसे एक डॉक्टर मिलता है। ये सब दोनों को देखकर रोनेटो एक कॉर्नर में छुप जाता है और उन दोनों को देखने लगता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैलिना तो मेरी फियांसी है। इस बात पर दोनों का झगड़ा होता है और वहाँ पर कुछ मीडिया वाले भी आ जाते हैं और यह बात सारे गांव में फैल जाती है कि मैलिना का एक शादीशुदा आदमी से अफेयर है। यह बात सभी गांव में फैल जाती है और इसी वजह से वो बहुत ही वरीड होती है, क्योंकि वहाँ का लॉयर ये केस जीत जाता है और केस जीतने के बाद यह साबित कर देता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा है। लॉयर मैलिना के साथ ज़बरदस्ती करता है। ये सब रोनेटो देख लेता है और देखकर बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद मैलिना के पापा एक जर्नी पे गए हुए होते हैं। वहाँ पर उन्हें खबर मिलती है कि उनका प्लेन क्रैश हो गया है और उस हादसे में वो मर गए हैं। यह सुनकर मैलिना बहुत दुखी होती है और वह यह सोचती है कि अब उसका दुनिया में कोई भी नहीं रहा। मैलिना को उसके हस्बैंड के वजह से जो भी पेंशन मिलती थी वो भी अब बंद हो चुकी है, क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, यह साबित हो जाता है। और फिर अब उसका कोई भी नहीं है दुनिया में, उसके फेवर में भी कोई बोलने वाला नहीं रहता, उसके खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं मिलते। इसी वजह से वो बहुत सोचती है कि क्या करूँ क्या करूँ। फिर वो यह सोचती है कि वाकई दुनिया मुझे बहुत ही बुरी औरत समझती है, तो क्यों ना मैं भी एक बुरी औरत ही बन जाऊँ। वो एक सीजर उठाती है और अपने बाल काटने शुरू कर देती है। ये सब कुछ रोनेटो देखता है और बहुत ही उदास महसूस करता है। रोनेटो मैलिना की हालत देखकर परेशान रहने लगा। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था और इस सब पर उसके पापा एक बात सोचते हैं और वो भी वैसा ही करते हैं जो रोनेटो चाहता था। उसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं कि मैलिना एक बुरी औरत बन चुकी है। अब वो सभी लोगों के साथ रहने लगती है। गांव के सभी लोग अपनी डिज़ायर पूरी करने के लिए उसके पास आते हैं। इसी वजह से उनकी पत्नियों को मैलिना बहुत बुरी लगने लगती है। उन लोगों की पत्नियों को बहुत गुस्सा आता है और वो मैलिना के पास जाते हैं और उसे घर से बाहर निकालकर बहुत मारती है, बहुत पीटती है उसे और टाउन से बाहर निकाल देती है। उसके बाद हमें मूवी में दिखाया जाता है कि मैलिना का पति वापस आ चुका है और वो असल में मरा नहीं होता। उसके बारे में रूमर्स फैलाए गए होते हैं कि वो मर चुका है, पर वो जिंदा होता है। जब वो घर आता है तब मैलिना उसे नहीं दिखती, तो वो इधर उधर लोगों के साथ पूछताछ करता है। पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि मैलिना ने ये टाउन छोड़ दिया है और उसी के साथ सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि कैसे मर्द हो तुम। उसके दोस्त उसे ढूंढने में मैलिना को साथ नहीं देते। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी बीवी बहुत ही घटिया थी और कई गंदी बातें उसके बारे में कहते हैं। यह सुनकर उसका पति निराश हो जाता है, उसे बहुत खराब लगता है। मैलिना का पति यह सुनते हुए थक जाता है कि उसकी बीवी बहुत ही खराब थी, घटिया थी, पर वो इस बात पर हमेशा थिंक करते रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस पर रोनेटो एक नोट पर उसके पति को एक चिट्ठी देकर वहाँ से भाग जाता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हारी पत्नी बहुत ही अच्छी किस्म की शख्सियत थी, वो बुरी बिल्कुल नहीं थी, उसे बुरा बनाया गया था। गांव वालों ने उसके बारे में बहुत से गंदे रूमर्स फैला रखे थे, तुम्हारी मौत की खबर भी फैला रखी थी,
उस वजह से उसे बुरा बनना पड़ा था। उसकी उसके पीछे कुछ मजबूरियां थी और बहुत सारी बातें बताई। ये सब पढ़कर मेलन के पति को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बीवी को रिटर्न लेने के लिए चला जाता है। उसके बाद मूवी में हमें दिखाया गया है कि वो दोनों साथ में हाथ में हाथ डालकर उसी टाउन में वापस आते हैं। वापस आना बहुत करेजियस था क्योंकि बहुत से लोग उन्हें बहुत ही गंदी नज़र से देख रहे थे, फिर भी वो दोनों आते हैं। उसके बाद आगे मूवी में हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ रोनेटो और मेलेना आखिरी बार मिलते हैं, जहाँ मेलेना के हाथ से कुछ चीज़ें छूटकर नीचे गिर जाती है और रोनेटो उसकी मदद करता है उन चीज़ों को उठाने में। और वो वहाँ पे मेलेना से बोलता है कि मैं दुआ करूँगा कि तुम्हारी आने वाली लाइफ अच्छी जाए। मेलेना भी उसे स्माइल देती है और दोनों अपने अपने रास्ते चल देते हैं। उसके बाद हमें रोनेटो खुद से बात करते हुए दिखाया है। उसने बताया है कि उसके बाद मेरा बहुत औरतों पर दिल आया और सबने मुझे पूछा कि क्या मैं तुम्हें याद रहूँगी, फिर भी उसका जवाब एक ही था कि सिर्फ उसे एक ही शख्सियत याद रहेगी जिसका नाम मेलेना था। यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है। आपको कैसी लगी ये स्टोरी? आपको ये स्टोरी कैसी लगी? मैंने तो बहुत दिल से एक्सप्लेन किया है। अगर कोई भी डाउट लगता है मेरे एक्सप्लेनेशन में या मुझे कुछ इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और प्लीज़ यार, सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक भी ज़रूर करना। इससे आपके रिस्पॉन्स से और भी ज़्यादा काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।